नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समय हो चला है 8:30 के आसपास और इस समय रूबरू होने का आपसे एक विशेष मकसद, हरियाणा स्टाफ सेक्शन कमीशन के आज के मेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, तो उसी की जानकारी आपको देनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। रिजल्ट सेक्शन में आप देख ही रहे हैं रिजल्ट ऑफ PST एंड नोटिस टू कैंडिडेट फॉर PMT एंड स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। कितने कैंडिडेट आज पास हुए हैं, क्या डाटा रहा है, पूरा एक एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट सेक्शन में चलते हैं और रिजल्ट सेक्शन में आपको PDF डाउनलोड करके एक छोटी से छोटी डिटेल बताई जाएगी कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं आज अंतिम दिन। तो इसको आज मेल कॉन्स्टेबल का अंतिम दिन हो गया। कल मैंने गलती से कल की तारीख जो थी अंतिम बता दी, वो आज थी। और इसमें कहा गया है कि 15/2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और ये जो आपकी 24 पेज की ये टोटल शीट है और 24 पेज की लास्ट पहले तो देख लेते हैं कि 17/2 को आपका है जी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट है आपका 18 फरवरी को, तो एक एक दिन के गैप के बाद है। तो चलिए अब जिक्र करते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं आज। हमेशा से ज़्यादा है और 24 पेज की ये लिस्ट है, तो कैंडिडेट कितने पास हुए हैं वो भी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। तो आज पास होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा सभी दिनों में 4409 कैंडिडेट आज पास हुए हैं। और अब एक बड़ी अपडेट आपके लिए ये है कि जो एब्सेंट रह गए हैं 15 तारीख तक, वो कल यानी 16 को भी सुबह 7 बजे और एक्स सर्विस मैन 1 बजे अपना दोबारा से PST दे सकते हैं। तो बड़ी अपडेट और तकरीबन पूरा एनालिसिस लेके आऊँगा मैं कि हर दिन कितने कैंडिडेट पास हुए और टोटल अब PMT आपका कितने लोगों का होगा। और PMT का डाटा क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे नहीं आ रहा है, तो अभी हम PST के बेस पर ही आपको बताएंगे कि कितने कैंडिडेट में कंपटीशन रह गया है और PST से कितने निकल गए हैं। तो इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल का अगर आपको ये प्रयास जॉब से जुड़ी हर कोई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं अगर पसंद आ रहा है, तो जरूर आप हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। चलते चलते वीडियो में उन भारत माता के सपूतों को एक भावभीनी श्रद्धांजलि। देश में ऐसा मंजर फिर ना हो, इसकी कामना ईश्वर से करते हैं, फिर कोई भारत माता का लाल यूं अपनी माँ से ना बिछड़ जाए, उनकी शहीदी का बलिदान ऐसे ही व्यर्थ ना जाए, यही कामना हम ईश्वर से करते हैं। जय हिंद।